ध्वनि और लय सृष्टि के ऐसे दो प्रमुख उपादान हैं जिन पर हमारी संपूर्ण सृष्टि टिकी हुई है। नादाधीनम जगत कहकर अगर इस जगत को नाद के अधीन माना गया है तो लय को भी ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। लय हमारे जीवन में, हमारी सृष्टि में किस तरह व्याप्त है, इसे हम इसी से समझ सकते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक निश्चित गति में घूमती है। सूर्योदय और सूर्यास्त एक निश्चित समय पर होता है। ऋतुओं का चक्र एक निश्चित समय पर बदलता है। हमारे दिल की धड़कन, हमारी नाड़ी की गति एक निश्चित लय में होती है और जब भी इनमें व्यवधान पैदा होता है स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए विद्वानों ने यह भी कहा है कि जहाँ लय नहीं वहाँ प्रलय भी असंभव नहीं है। समय की समान गति को लय कहा जाता है। संगीत में लय के मुख्यतः तीन प्रकार माने गए हैं, विलंबित, मध्य और द्रुत। ये तीनों लय समय सापेक्ष हैं, अर्थात मध्य लय को आधार मानकर ही विलंबित और द्रुत लय की गति निर्धारित होती है। तो सबसे पहले मध्य लय, तीन ताल, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धिन धिन धा धा। मध्य लय में सामान्यतः एक मात्रे से दूसरे मात्रे के अंतराल को एक सेकंड का माना जाता है। जब इसकी गति हम विलंबित कर देते हैं, अर्थात एक मात्रे की अवधि दो सेकंड का कर देते हैं, तो उसे विलंबित लय कहा जाता है। तीन ताल विलंबित लय में, धा आ धिन इन धिन इन धा धा आ धिन धिन धा धा आ तिन तिन ता ता धिन धिन धा। मध्य लय धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धिन धिन धा। इसी तरह एक मात्रा को जब हम आधे सेकंड का कर देते हैं तब वह द्रुत लय बन जाती है। द्रुत लय धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन ता ता धिन धिन। द्रुत धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा। लय को प्रदर्शित करने के लिए हम विभिन्न तालों का सहारा लेते हैं, विभिन्न संगीत शैलियों का सहारा लेते हैं। हमारा लोक संगीत जो है वो मुख्यतः लय प्रधान होता है। उसमें लय के विभिन्न स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं और ये महत्वपूर्ण है कि ठेके का स्वरूप गीत की गति, गीत के शब्द, गीत के भाव के अनुरूप बदलते रहते हैं। जैसे कहरवा एक ताल है, लोक संगीत का ताल है, इसका ठेका है धा गे
ना ती ना का धी ना धा गे ना ती ना का धे ना। लेकिन विभिन्न संगीत शैलियों में, विभिन्न गीत शैलियों में इसका स्वरूप बदल जाता है। तो आइए कहरवा के कुछ प्रकार सुनते हैं। शास्त्रीय संगीत में भी लय के विभिन्न प्रकारों का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ ठेके का मूल स्वरूप वही होता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिस ताल में जो रचना गाई जाती है उसका ताल वही होता है। झपताल अगर महाराष्ट्र में धीना धीधीना तीना धीधीना है तो बंगाल में भी वो धीना धीधीना तीना धीधीना ही है, पंजाब में भी वो धीना धीधीना तीना धीधीना है, और उत्तर प्रदेश और बिहार में भी वो धीना धीधीना तीना धीधीना है। झपताल धी 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 ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी। शास्त्रीय संगीत की विभिन्न गीत विधाओं के साथ संगत के लिए विभिन्न प्रकार के तालों की रचना हुई है। जैसे ध्रुपद हमारी बहुत प्राचीन गीत शैली है, इसके साथ आमतौर पर चौताल का वादन होता है जो 12 मात्राओं का ताल है। वैसे तो ध्रुपद सुलताल में भी गाए जाते हैं, तिब्रा में भी गाए जाते हैं, लेकिन चार ताल इसका प्रमुख ताल माना गया है। चार ताल धा धा दिन ता की त धा दिन ता ती त क त ग दी ग न दा। इसी प्रकार की एक प्रमुख गायन शैली और भी है जिसे धमार और होरी कहा जाता है। इसके साथ पखावज का ताल धमार बजता है। क धे टे धे टे धा आ ग ती ना ती ना ता आ आ का धे टे धे टे धा आ ग ती ती ना ता आ का। ख्याल के लिए कई प्रकार के ताल हैं। एक ताल है, तिलवाड़ा है, झूमरा है। तो आइए एक ताल सुनते हैं। धिन धिन धागे तीर कीट तू ना कत ता धागे तीर कीट धी ना धिन धिन धागे तीर कीट तू ना कत ता दा गे दे ना दिन। एक ताल की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह विलंबित लय में भी बजता है, मध्य लय में भी बजता है, और द्रुत लय में भी बजता है। अभी हमने मध्य लय में सुना, इसका विलंबित स्वरूप
इस तरह से हो जाएगा, धिन धिन धा गे ती रा की त तुन ना कत ता धा गे ती रा की त धी ई ना आ धिन। जबकि इसका द्रुत रूप इस प्रकार होगा, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत ता धागे तिरकिट धी ना धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत ता धागे तिरकिट धी ना धिन। हमारे गायन में ठुमरी एक बहुत प्रमुख विधा है। ठुमरी के साथ दीपचंदी, जत आदि तालों का प्रयोग होता है। दीपचंदी 14 मात्रे की होती है, जबकि जत 16 मात्रे का। 14 मात्रे की दीपचंदी सुनते हैं, जिसे प्राचीन पुस्तकों में चाचर भी कहा गया है। धा धिन धा धा तिन ता तिन इन धा धा धिन धा। कहरवा लोक संगीत और सुगम संगीत का ताल है। दादरा भी इसी प्रकार का एक ताल है। आइए आज हम दादरा सुनते हैं। धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती। दादरा के कुछ प्रकार धा धी